रेडी स्टार्ट। पुनरीक्षण कर्ता गण की ओर से प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण याचिका द्वारा मुख्यतः आधार व तर्क लिए हैं कि फरियादी द्वारा उसे सीने व बाएं पैर में चोट पहुंचाने के कारण अस्थि भंग होना बताया गया। स्टॉप। आरक्षी केंद्र ने फरियादी से साठ गांठ कर उक्त पुनरीक्षणकर्ता गण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। फुल स्टॉप। अतः आरोपी के द्वारा सीने में लाठी और आरोपी के द्वारा बाएं घुटने में लाठी मारना बताया गया। स्टॉप। जबकि मेडिकल बोर्ड द्वारा दोनों ही चोटें होना नहीं पाया गया। फुल स्टॉप। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया आरोपी के विरुद्ध धारा 323.504 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप के तथ्य भी गठित नहीं होते हैं। फुल स्टॉप। विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्य की ओर ध्यान नहीं देते हुए पुनरीक्षणकर्ता गण के विरुद्ध धारा 323 अथवा 323 से पठित धारा 34 एवं धारा 504 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप विरचित करने में गंभीर भूल की है। स्टॉप। पैरा। विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय दिनांक 8 जनवरी 2016 के परिशीलन से भी विदित है कि वादी का बाद निर्णय की कंडिका 12 के अनुसार खारिज किया गया है तथा इस न्यायालय द्वारा नियमित व्यवहार अपील में घोषित निर्णय की कंडिका 02 में भी वादी का बाद निरस्त किए जाने का उल्लेख किया गया है, लेकिन निर्णय की कंडिका 18 में लिपिकीय त्रुटि बस कोमा बाद
आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है, कॉमा लेख हो गया है जो लिपिकीय एवं मामूली त्रुटि है जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 152 में प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए सुधार कर निर्णय की खंडिका 18 में लिपिकीय त्रुटि बस लेख कौमा बाद आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है कौमा के स्थान पर बाद अस्वीकार किया गया है कौमा अभी लिखित किए जाने का आदेश दिया जाता है फुल स्टॉप उपरोक्ता अनुसार आवेदन स्वीकार किया जाता है फुल स्टॉप निर्णय की खंडिका 18 में लाल स्याही से सुधार किया जाए एवं सुधार आदेश पत्रिका की प्रति निर्णय के साथ कंप्यूटर में अपलोड की जावे फुल स्टॉप पैरा मामला संक्षेप में यह है कि प्रत्यर्थी के द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की स्वयं को विवाहिता पत्नी बताते हुए अपीलार्थी द्वारा उसका परित्याग कर दिए जाने के आधार पर एक आवेदन अंतर्गत धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता पेश कर अनावेदक से 7000 रुपए प्रति माह भरण डैश पोषण की राशि बाद वे सहित दिलाई जाने की प्रार्थना की गई फुल स्टॉप अनावेदक साक्ष की अंतिम स्थिति पर अपीलार्थी की ओर से एक आवेदन आवेदिका के मेडिकल परीक्षण कराए जाने बाबत पेश किया गया कौमा जिसके जवाब हेतु प्रकरण नियत होता रहा और आदेश दिनांक को अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में आवेदिका की अधिवक्ता की उपस्थिति
तथा अनावेदक की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए प्रकरण को निरस्त किया है। फुल स्टॉप।